हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या नई चुनौतियां आज आपको मिलने वाली हैं और क्या क्या सावधानियां आज आपको बरतनी होंगी। तो आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या नई चुनौतियां आपको मिलने वाली, कितना लाभ आज आपको मिलने वाला है, ये तमाम बातें बताने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं मशहूर टैरो कार्ड रीडर रंजना राणा जी। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार सोनिया जी। कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं सुविचार के साथ, जरा सुविचार हमारे दर्शकों को बताएं। आज का सुविचार है कि जिंदगी में जो लोग आपको दौड़ कर रेस में हरा नहीं सकते, वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए और अपनी जो लक्ष्य है उसके ऊपर हिम्मत के साथ उसकी तरफ आप बढ़ते ही चले जाइए। आप देखेंगे आपको बहुत ही ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। एक बेहद खूबसूरत सुविचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम। मूलांक के हिसाब से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। नंबर एक के जातकों के लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं रंजना जी, और इनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला, क्या नई चुनौतियां मिलेंगी? नंबर एक के जातकों के लिए हम देखते हैं इनकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इनकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है और थोड़ी जॉब में भी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। मगर हम ये देखते हैं कि ये जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं, और उसके लिए सबसे पहले हम इनकी मैरिड लाइफ के लिए बताना चाहते हैं कि रोज अगर ये सुलझित जीते केसर युग जल चढ़ाना शुरू कर देंगे, इनको बहुत ज्यादा इससे लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ एक मंत्र है, ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वास साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इसको रोज करना शुरू करें, इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए जो हम उनको उपाय बताना चाहते हैं वो यही है कि आज शनिवार है तो आप जरूर शनि मंदिर जाइए, वहाँ पर तेल और काले तिल शनि भगवान के यहाँ चढ़ाइए, ओम श्रम शनिश्चराय नमः का एक बार बार बैठकर वहाँ मंत्र कीजिए, फिर आप देखेंगे आपकी रिलेशनशिप और आपको नौकरी भी जल्दी प्राप्त हो। आपका जो रंग है वो है पीला और आपका जो अंक है वो है नंबर 3। तो नंबर एक के जातकों को छोटे छोटे उपाय बताए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उपाय अपनाकर आपकी जिंदगी में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो जल्द ही दूर होंगी और आपका जीवन नए मार्ग की ओर प्रशस्त होगा। अगले नंबर की ओर बढ़ लेते हैं जो है 2। रंजना जी, 2 नंबर वालों के लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं? 2 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनको भी बिजनेस को लेकर थोड़ी सी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर्स में इनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इनके लिए हम एक ही बहुत सिंपल उपाय बताना चाहते हैं और वो ये है कि इनको अपने जो कार्यस्थल है वहाँ पे जो मंदिर है उसमें जरूर एक उठते हुए भगवान जी की चित्र जरूर लगाए वहाँ पर, और रोज वहाँ पर ओम गणेशाय नमः का मंत्र और हनुमान जी की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा इनको रोज कीजिए, फिर आप देखेंगे आपके बिजनेस में जो भी रुकावटें आ रही हैं या फाइनेंस को लेकर पैसे को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं वो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगी, और आप देखेंगे ये रिजल्ट आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ आप अपना कार्य आज से शुरू कर लीजिए। आपका रंग है केसरिया और आपका जो अंक है वो है नंबर 3। तो नंबर 2 के जातकों को व्यवसाय में कहीं ना कहीं लाभ नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको छोटे छोटे उपाय हम लगातार बता रहे हैं। हर मूलांक के जातकों को हम उपाय बताते चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों से आपका व्यवसाय दोबारा नए सिरे से शुरू होगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। रंजना जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अगर आप अपनी किसी समस्या का ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं आप हमें फोन कर सकते हैं, रंजना जी से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले नंबर की ओर बढ़ लेते हैं जो है 3। रंजना जी, 3 नंबर के जातकों के लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं, आज का दिन इनके लिए कैसा रहने वाला है? 3 नंबर के जातक हम देखते हैं इनका समय बहुत ही अच्छा चल रहा है और आने वाले दिन भी इनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होंगे, मगर इनको हम फिर भी एक उपाय जरूर बता देते हैं ताकि इनकी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि इनको नजर बहुत जल्दी लग जाती है,
तो इससे बहुत जरूरी है इनको कि सब चनाजा जो है उसको अपने ऊपर से वार कर एक बारी और उसको रोज ये चिड़ियों और चींटियों को डालना शुरू कीजिए, इससे इनकी जो नजर है वो भी उतर जाएगी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं इनकी जिंदगी में जो और इनके व्यवसाय में इनके घर में जो भी प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो जाएंगी। छोटा सा उपाय है, अवश्य कीजिए और आप देखिए इसके चमत्कारी जो बेनिफिट है आपको जरूर मिलेंगे। आपका रंग है ब्लू कलर और आपका जो अंक है वो है आपका रंग है लाल और आपका अंक है नंबर 9। तो नंबर 3 के जातकों के लिए वक्त तो सही नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं आप उनको जरूर करें, आपका आने वाला वक्त और भी ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल का वक्त तो आपके लिए अनुकूल नजर आ रहा है, लेकिन किसी भी तरह से ग्रह योग, ग्रह दशाएं, कोई देवी देवता आपसे रुष्ट ना हो, इसके लिए आपको उपाय भी बताए हैं। अगले नंबर की ओर बढ़ लेते हैं, जो है 4 रंजना जी, 4 नंबर वालों के लिए कार्ड्स का बता रहे हैं। 4 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं काफी दिक्कतों का सामना ये कर चुके हैं और हम ये देखते हैं अब इनको जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बिल्कुल इनकी धीरे 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 सही होती चली जा रही है। और इनको हम यही बताना चाहते हैं कि आज शनिवार के दिन ये जरूर पीपल के पेड़ के नीचे शाम को जाकर एक दिया भी जलाए और वहां से एक पीपल का पत्ता लाए, उसके राम श्री राम आप लिखें और अपने कार्यस्थल में आप इसको रख दीजिए। अगले शनिवार को ये पीपल का पत्ता आप पीपल के पेड़ के नीचे आप डाल सकते हैं या पानी में बहा सकते हैं और एक और पीपल का पत्ता लाएं और एक जरूर फिर से दीपक जलाएं। ऐसे अगर आप 11 बारी करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल मैटर्स में लेके और घर की परिस्थिति में बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। छोटा सा उपाय है, आप जरूर करिए और इसको आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपका रंग जो है वो है हरा और आपका जो अंक है वो है नंबर 5। तो नंबर 4 के जातक अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, आर्थिक स्थिति के हिसाब से उनको फल नहीं मिल पा रहा है। आपको कुछ उपाय भी बताए हैं और उपाय करने के बाद आप अपनी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे, कार्यस्थल में भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं ये आप जरूर कीजिएगा। अगले नंबर की ओर बढ़ लेते हैं, जो है 5 रंजना जी, 5 नंबर के जातकों के लिए कार्ड्स आज क्या बता रहे हैं, कितनी नई चुनौतियां उनके लिए नजर आ रही हैं आज। नंबर 5 के जातक हम देखते हैं कहीं ना कहीं नौकरी को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इनके लिए भी मैं छोटा सा उपाय लेके आए हैं, ये है कि गणेश जी इनको अपने घर में उनको ऐसे गणेश जी रखें कि जिनकी सोन राइट की तरफ हो, दाहिने तरफ हो और उनके सामने रोज आप ओम गंगन पताए नमः का जाप जरूर करें, एक बार बार जोत जलाएं और उनको लौंग और सुपारी उनके सामने रोज चढ़ाएं और जब भी कहीं कोई इंटरव्यू के लिए जाएं, नौकरी खोजने जाएं तो जरूर ये लौंग और सुपारी अपनी पॉकेट में लेकर जाएं और फिर आप देखेंगे कि जरूर आपको नौकरी में, आपके इंटरव्यू में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। छोटा सा उपाय है, जरूर करके देखिए और हम ये चाहते हैं कि इसको आज से ही अगर आप शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, आपका जो रंग है वो है ब्लू और आपका जो अंक है वो है नंबर 8। तो नंबर 5 के जातकों को ये छोटे छोटे उपाय बताए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि नौकरी आप जिस हिसाब से चाहते हैं आपको वैसी नौकरी मिले या फिर आप जो नौकरी कर रहे हैं उसमें आपको सुकून मिले, उसमें आपको पॉजिटिविटी मिले। उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले दिन इन उपायों को अपनाने के बाद और ज्यादा बेहतर होंगे। अगले नंबर की ओर बढ़ लेते हैं, जो है 6 रंजना जी, 6 नंबर वालों के लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं, क्या नई चुनौतियां नजर आ रही, कितना लाभ कितनी हानि नजर आ रही है। नंबर 6 वाले जातक हम देखते हैं पैसे को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं और जिसके लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो पैसे की आपकी प्रॉब्लम है ये जल्द खत्म हो जाएगी। मगर इसके लिए भी हम इनको एक छोटा सा उपाय बताएंगे कि रोज शिवलिंग पे आप जरूर दूध और जल अवश्य चढ़ाएं और इनके ऊपर अब एकदम साबुत जो चावल होते हैं वो भी आप इनके ऊपर जो अखंड चावल होते हैं वो रोज आपको चढ़ाना शुरू कर दीजिए, फिर आप देखिए आप हमेशा लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती ही चली जाएगी, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। छोटा सा उपाय है, अवश्य कीजिए और साथ साथ अगर आप ओम लक्ष्मी नमः का मंत्र भी 1-4 बार रोज करेंगे इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। नंबर 6 वाले जो जातक हैं इनका रंग है ब्राउन एंड येलो और इनका जो अंक है वो है नंबर 7। तो देखिए नंबर 6 के जो जातक है वो आर्थिक तौर पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, ओम लक्ष्मी नमः ये मंत्र आपको बताया है, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। कुछ छोटे छोटे उपाय लगातार हम मूलांक के हिसाब से बताते जा रहे हैं और हम बताते जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान भी कर सकते हैं। अगले नंबर की ओर बढ़ लेते हैं, जो है 7 रंजना जी, 7 नंबर वालों के लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं, क्या लाभ इनको मिलने वाला है, क्या नई चुनौतियां इनके लिए नजर आ रही है, क्या हानि नजर आ रही है।
नंबर सात वाले जो जातक हैं ये इनका दिन जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। और हम ये देखते हैं, ये एक बड़ी डिसाइड कर चुके हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी चिंताएं हैं, उनको पीछे छोड़कर ये पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनके लिए ये बहुत ही अच्छा साबित होगा। घर से निकलने से पहले अगर आप गाय के लिए दो रोटी और गुड़, जिससे काला तिल और थोड़ा गेहूं लगाकर आप रोज गाय को देना शुरू कर देंगे, फिर आप देखिए आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ये छोटा सा उपाय मगर आप करते ही चले जाइए। आपका जो रंग है वो है गुलाबी और आपका जो अंक है वो है नंबर छह। तो नंबर सात के जातक भी अपनी जिंदगी में जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे उपाय आपको बताए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन उपायों को अपनाकर आपकी जिंदगी एक बार फिर नए सिरे से शुरू होगी और ज्यादा सकारात्मकता आप अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। रंजना जी, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। और दर्शकों, लगातार हम बात कर रहे हैं मूलांक के हिसाब से और बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, कितनी नई चुनौतियां आज आपको मिलने वाली हैं और कितनी खुशियां आज आपको मिलने वाली हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का किस्मत कनेक्शन में स्वागत है। लगातार मूलांक के हिसाब से तमाम जातकों को हम बताते चल रहे हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या नई चुनौतियां आपको मिलने वाली हैं, कितना लाभ आज आपको मिलने वाला है और क्या क्या सावधानियां आज आपको बरतनी पड़ेंगी। रंजना जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, जो कि मशहूर टैरो कार्ड रीडर है। रंजना जी, अगले मूलांक की ओर बढ़ लेते हैं, जो है आठ। आठ नंबर वालों के लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं? आठ नंबर वालों के लिए हम देखते हैं, इनके कार्ड तो बहुत अच्छे हैं मगर इमोशनली बहुत ज्यादा डाउन दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं किसी बात को लेकर। थोड़े से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको कहीं ना कहीं अपने कोई रिलेशन से सेटबैक मिला है, जिस करके ये थोड़े से घबराए हुए हैं। तो उनके लिए हम यही बताना चाहते हैं कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमेशा प्रॉब्लम की तरफ देखते रहेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, सोल्यूशन की तरफ देखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो सोल्यूशन भी मिलेगी और आपको आगे जिंदगी में सक्सेस भी मिलेगी। इसे आज जब आप अपने बिजनेस की तरफ जाएं तो जरूर हल्दी से नहा के जाएं, हल्दी के थोड़े से पानी में स्नान के समय थोड़ा एक चम्मच हल्दी डालिए और उससे नहा कर जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आज जाकर आपका बिजनेस क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। इसे पुरानी बातें भूल जाइए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ने लग जाइए। आपका रंग भी बहुत ही अच्छा है, सिल्वर ग्रे, और आपका जो अंक है वो है नंबर। रंजना जी, अभी बात करें नंबर आठ की, तो इसे संघर्ष का नंबर माना जाता है। कहते हैं कि सबसे ज्यादा संघर्ष जो लोग करते हैं वो आठ नंबर वाले ही करते हैं, तो कार्य क्षेत्र में, व्यापार में किस तरह से स्थिति नजर आ रही है? हम ये देख रहे हैं कि इनको थोड़ी सी जो प्रॉब्लम जरूर दिखाई दे रही है मगर जो भी इन्होंने संघर्ष किया है इससे इनको बहुत ज्यादा बहुत जल्द लाभ भी मिलने वाला है, क्योंकि सब तरफ से ये जो भी कार्य कर रहे हैं लोग इनको नोटिस भी कर रहे हैं और टाइम आने पर इनको इसका पूरा पूरा इनको जो है आशीर्वाद भगवान का भी मिलेगा और आसपास के जो लोग हैं वो भी इनको देखेंगे। जो भी इनका संघर्ष है वो इनको इसका इस सफलता इनको अवश्य बहुत जल्द मिलने वाली है। तो नंबर आठ वालों के लिए हम बताना चाहते हैं कि कुछ दिन हल्दी के पानी से स्नान करेंगे तो बहुत ज्यादा इनके लिए बेहतर रहेगा। तो इनको आगे संघर्ष करते रहना चाहिए और सक्सेस तो इनको अवश्य मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं और कभी भी काम करने से डरते नहीं हैं। तो नंबर आठ के जातक परेशान ना हो, निराश ना हो, क्योंकि लगातार दर्शकों की ओर से भी यही प्रतिक्रिया सामने आती है कि नंबर आठ संघर्ष का नंबर है, वो बहुत ज्यादा मेहनत तो करते हैं लेकिन फल उनको नहीं मिलता है। लेकिन कार्ड्स बता रहे हैं आपका आने वाला वक्त बेहद अच्छा है और कहीं ना कहीं मेहनत का फल मीठा जरूर होता है, वो सार्थक आपकी जिंदगी में नजर भी आएगा। अगले नंबर की ओर बढ़ लेते हैं, जो है नौ। रंजना जी, नौ नंबर के जातकों के लिए कार्ड्स आज क्या बता रहे हैं? नौ नंबर वालों के लिए हम देखते हैं भगवान के अंत पर पूरा पूरा आशीर्वाद दिखाई दे रहा है और ये जरूर अपने काम को लेकर कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा इनको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा मगर ट्रैवल करने से इनको बहुत ज्यादा लाभ भी मिलने वाले हैं। इसे बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं, खाली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप घर से निकलें आप जरूर एक छोटी इलायची खाकर घर से निकलिएगा ताकि आपको बहुत ज्यादा लाभ मिले और आपको आपके जो आने वाले दिन है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलने वाली है। इसके नंबर नौ वाले जो जातक है इनका दिन बहुत ही बेहतर साबित होगा और इनका जो अंक है नंबर दो और इनका जो रंग है वो है सफेद। इसलिए हम देखते हैं कि नंबर नौ वाले जातकों का दिन बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होगा आज। तो नंबर नौ के जातकों का दिन बेहद बेहतर रहने वाला है, खुशी
और हंसी के साथ आज आपका जो दिन है बीतने वाला है, आज का दिन आप बेहद शानदार तरीके से बिताएंगे। रंजना जी, आज शनिवार है, शनिवार को कुछ दर्शकों को भी टिप्स दे किस तरीके से शनि की जो दशा है उसको कम किया जाए, किस तरीके से उनकी जो कुदृष्टि किसी पर भी हो तो क्या क्या उपाय वो करें, कैसे उनकी दृष्टि को सुधारा जाए। शनिवार का दिन है इसलिए हमने पहले भी बताया कि आप जरूर शनि मंदिर जाएं और वहां पर तेल काली उड़द जरूर चढ़ाएं, और हम ये भी देखते हैं कि आज अगर हो सके तो जो भी जरूरतमंद हैं उनको जरूर आप थोड़ा सा भोजन कराएं, उनको भर पेट भोजन कराएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आज के दिन आप किसी को लोहे की कढ़ाई, लोहे का चिमटा या इनको कोई काला कपड़ा है या चप्पल है ये भी किसी को दान करेंगे, इससे बहुत ज्यादा इनको लाभ मिलेगा। साथ साथ ये भी देखा जाता है अगर आज आप सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे उससे भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और जितने भी लोग जिनकी खारकती चल रही है या जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसी रुकावटें आ रही हैं, उनको हम एक और सजेशन देना चाहते हैं कि हर रोज अगर ये बाजरा और चीनी चिड़ियों और चींटियों को देना शुरू कर देंगे उससे जितनी भी इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे इनकी खत्म हो जाएंगी, इनको घबराने की जरूरत नहीं है। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, प्रॉब्लम जिंदगी में आती रहती है, प्रॉब्लम से जो एक्सपीरियंस मिलता है वो आप देखिए और पूरे कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते ही चले जाइए। जिंदगी में थोड़ी बहुत कश्मकश करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा आगे चलकर सक्सेसफुल भी होंगे और बहुत ज्यादा आप नरम दिल भी रहेंगे ताकि आप सबकी प्रॉब्लम भी समझ पाएंगे और जिस स्थिति से आप गुजरे हैं आप लोगों को हेल्प करने की हमेशा कोशिश करेंगे। शनि भगवान भी यही चाहते हैं कि खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहें। रंजना जी, अगर हम नंबरों की बात करें तो देखिए जो शनि प्लेनेट हैं वो 8 नंबर को रूल करते हैं, तो ऐसे में क्या माने हैं फिलहाल इन दोनों का कनेक्शन किस तरह से नजर आ रहा है, कितना संघर्ष शनि देव इनको बख्शने वाले हैं? देखिए अब शनि का जो है, शनि देव जो है अब इनको गोचर जो इनका आने वाला है उससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और जितने भी लोग हम देखते हैं जिनकी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे अब खत्म होने वाली, अब जितना प्रॉब्लम थी वो इनकी खत्म हो जाएंगी और इनको घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। पर एक बात जरूर है कि जितना ये ओम नमो शिवाय का पाठ रोज करते रहेंगे उसको गिनना नहीं है। देखिए भगवान हमको बिना गिने हुए इतना हमें देता है, तो हमको भी जब भगवान की हम पूजा करते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं, हमें गिनना नहीं चाहिए। एकदम खुले से ओम नमो शिवाय का जाप आप जितना भी करेंगे आप देखेंगे शनि भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद ही रखेंगे और आपको किसी भी तरह का कष्ट नहीं मिलेंगे। शनि भगवान खाली उन्हीं को कष्ट देते हैं जो दूसरों को कष्ट करते हैं या जो किसी का पैसा मार देते हैं या किसी की आत्मा को दुखी करते हैं। अगर आप सबसे एक अच्छे से व्यवहार करते रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, सबकी मदद करेंगे तो आपको सारस्वती इन सब चीजों से बिल्कुल भी डरना नहीं है। शनि की कुदृष्टि में शनि जो है वो जस्टिस करता है, गलत करोगे तो गलत भुगतना पड़ेगा। अगर आप सबसे अच्छे से प्रेम से रहेंगे तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो सारस्वती होगा। तो जैसे शनिवार है और इनका जो रूलिंग प्लेनेट है वो शनि ही है, तो ऐसे में 8 नंबर के जातकों को शनिवार के दिन क्या कुछ खास करना चाहिए? उनको मैंने जैसे बताया है कि शनि मंदिर अवश्य जाएं, किसी को भर पेट खाना खिलाएं जरूरतमंद को, काला कंबल किसी को बांटे, काली चप्पल लेके दें, काली लोहे का कोई सामान किसी को लेकर दें और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, ओम नमः शिवाय का पाठ करेंगे तो इनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। शनि भगवान जो है बहुत देते हैं, बहुत ज्यादा देते हैं, खाली इनको इसीलिए बदनाम किया है कि ये तकलीफ देते हैं, मगर ये तकलीफ उन लोगों को ही देते हैं जो औरों को तकलीफ देते हैं। तो ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, तो शनि देव से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। खास तौर पर जो 8 नंबर वाले जातक हैं वो भी लगातार शिकायत करते नजर आते हैं कि मेहनत तो बहुत ज्यादा करते लेकिन फल मिलता ही नहीं है, और खास तौर पर शनि देव की दृष्टि उन पर बनी रहती है, ऐसे असमंजस में वो रहते हैं कि शनि देव गुस्से में हैं या फिर उनको शुभ फल दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं तो शनिदेव आपका बुरा करेंगे क्योंकि वो न्यायप्रिय है, न्याय के देवता है। रंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों को बताने के लिए कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो आज तमाम जातकों को हमने बताया कि उनका दिन आज के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी होंगी और कितना लाभ आज आपको मिलेगा और किस तरह की नई नई चुनौतियां आपकी जिंदगी में आपको मिलने वाली हैं, कितनी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। किस्मत कनेक्शन में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।